नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रभु दर्शन करें में। आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि माघ मास का महीना चल रहा है और इस माघ मास के महीने में तिल का विशेष महत्व होता है। तो ये जो एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, एकादशी का नाम भी षट तिला एकादशी है, क्योंकि षट तिला अर्थात जो छह प्रकार के तिल है उन तिलों का इस एकादशी के दिन प्रयोग बताया गया है। इसी कारण से इस एकादशी का नाम षट तिला एकादशी पड़ा। इस एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार है। एक प्राचीन काल में वाराणसी के तट पर एक निर्धन जिसके पास धन नहीं था ऐसा अहीर रहा करता था। और वह इतना गरीब अहीर था कि कभी कभी तो ऐसा हो जाया करता था कि उसको भोजन के लिए रात्रि में तारों को देखकर केवल सोना पड़ता था। बच्चे भी उसके इसी प्रकार से सो जाया करते थे, पानी पी लेते थे और सो जाया करते थे, भोजन तक नसीब नहीं हो पाता था। और उस अहीर का एक ही कार्य था कि वह जंगल जाता था, लकड़ियों को काटता था, नगर में ला करके बेचता था, जो धन मिलता था उससे उस धन से अपने परिवार के सदस्यों का पेट भरा करता था। एक समय की बात है, वह बड़ा दुखी होकर के मन में विचार सा करने लगा कि मैं अपने जीवन को यहीं पर समाप्त कर देता हूँ। धन की प्राप्ति नहीं होती, बच्चे भूखे सो जाया करते हैं, मैं स्वयं भूखा रहता हूँ, चलो मैं भूखा रहूँ तो कोई बात नहीं, मेरे बच्चे तो ना भूखे रहें। माता पिता का कर्तव्य होता है, सोचते हैं मैं अपने बच्चों को भूखा ना रखूं, इतना प्यार दूं कि समस्त प्रकार की सुख सुविधाएं उनको मिल सके। पर तुझे अहीर मन में स्वयंसा है, मेरे बच्चे तो क्या करें। प्रातः काल हुआ, जंगलों में गया, लकड़ियों को काटा। लकड़ियों को काटने के बाद वह अहीर साहूकार के पास गया और देखता क्या है, उस साहूकार के यहाँ पर अनेक प्रकार की तैयारी हो रही है। लकड़ियों के दान उस अहीर को प्राप्त हो गए और वह अहीर उस साहूकार से प्रश्न कर दिया कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये किस प्रकार के उत्सव की तैयारियाँ हो रही है, आप मुझे भी बताइए। साहूकार ने कहा, भैया ये माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है जिसको शक्तिला एकादशी कहते हैं, यह उस एकादशी व्रत पूजन की तैयारियां हो रही हैं। बोले, इसमें किसका पूजन होगा? इस व्रत में भगवान विष्णु इसके प्रमुख देवता है और भगवान विष्णु का पूजन होगा। साहूकार से इस प्रकार के वाक्य को सुन करके धन को अपने हाथ में लिया, अपने घर गया, मन में विचार करने लगा, हो ना हो मैं भी भगवान के इस षट तिला एकादशी के व्रत को करूं, क्योंकि साहूकार ने कहा है कि जिसके पास धन नहीं होता उसको धन मिल जाता है, जो निर्धन होता है उसको धन की प्राप्ति होती है, जिसकी संतान नहीं होती उसको संतान की प्राप्ति होती है, जिसका घर नहीं होता, जिसका परिवार नहीं होता, सब कुछ परमात्मा की कृपा से मिल जाता है, तो क्यों ना मैं भी इसे व्रत को करूं। और उस अहीर ने व्रत पूजन की विधि को करने के लिए जो साहूकार के यहाँ से धन मिला था उसी धन से उसने उसकी सारी तैयारियां की। परमात्मा की इतनी कृपा हुई, धीरे धीरे वैसे साहूकार ने इस व्रत को करना प्रारंभ किया और इस व्रत के प्रभाव से वह साहूकार के बरताए हुए नियमों के अनुसार उस अहीर ने जब इस व्रत को किया तो उस अहीर की दरिद्रता दूर हो गई, धन धान्य की उसको प्राप्ति हुई, धन धान्य में वृद्धि होने लगी और धीरे धीरे वह अहीर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में उसे वाराणसी के पावन तट पर निवास करने लगा और भगवान विष्णु की सेवा करते करते अंत हुआ और भगवान विष्णु के धाम को पहुंचा। प्रसिद्ध वाराणसी के अंदर प्रसिद्ध अहीर के रूप में वह उभर करके आया। यह व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इसके अधिष्ठात्रा देवता जो है भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। पंचामृत से स्नान कराने के बाद भगवान विष्णु के ऊपर तुलसी और तिल के जो बीज होते हैं, तिल के जो दाने होते हैं, ये भी भगवान विष्णु को चढ़ाए जाते हैं। चंदन हुआ, फूल हुआ, फल हुआ, मिठाई हुई, दीप, भगवान की पूजा की जाती है, परमात्मा प्रसन्न होते हैं। और इस दिन तिल का दान करने से व्यक्ति स्वर्ग में जाता है। तिल मिश्रित प्रसाद का भोग भी लगाने से उसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उस दिन तिल मिश्रित प्रसाद का भोग भी ग्रहण करना चाहिए, भोग लगाना भी चाहिए। और तिल मिश्रित, तिल से बनी हुई मिठाई, तिल का दान एक पात्र में भर करके, आप पात्र कोई भी ले सकते हैं, तांबे का ले, स्टील का ले, जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो उसमें तिल भर करके दक्षिणा रख करके ब्राह्मण को दान भी करना चाहिए। मित्रों, हमने आपको बताया षट तिला एकादशी की एक छोटी सी कथा।
तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप मेरे इस वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।